मरने के बाद जो ब्रह्म भोज कहता है उसको गिद्ध भोजन नाम रखे थे कि गिद्ध भोज है और कभी भी मेरे परिवार में गिद्ध भोज नहीं हो सकता है। और उनके बेटा बेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके प्रति हम काफी भाव देना चाहता हूँ कि उनके लड़का लड़की इनके विचारों को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मंडल कमीशन को लागू कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सब लोग रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं, और चूंकि प्रचार प्रसार उनका नहीं हुआ, अब प्रचार प्रसार होगा निश्चित रूप से। बहुत से बातें मरने के बाद जब गुजर जाता है तो उनके विचारों को लोग मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी शरद यादव जी का नाम रहेगा। शरद यादव को कैसे याद कर रहे हैं सर? शरद यादव की विचारधारा कितनी ग्राउंड लेवल पर? देखिए, शरद यादव एक विचार थे और मंडल मसीहा थे। मंडल कमीशन को लागू कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सब लोग रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं और मुलायम सिंह यादव रहे हैं, ये सारे सरीखे नेता थे, लेकिन इनकी जो पहचान थी समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए और पाखंडियों के खिलाफ में हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहे और अपने जीवन में उतारने का काम किया। और वो ने कहा था कि मरने के बाद जो ब्रह्म भोज कहता है उसको गिद्ध भोजन नाम रखे थे कि गिद्ध भोज है और कभी भी मेरे परिवार में गिद्ध भोज नहीं हो सकता है। और उनके बेटा बेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके प्रति हम काफी भाव देना चाहता हूँ कि उनके लड़का लड़की इनके विचारों को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने अस्थि कलश को नदियों में जो प्रवाहित किया जाता था उसके खिलाफ पे थे कि नदी की पानी खराब हो जाएगी, इसलिए उनकी अस्थि कलश को उनके निवास स्थान जहां जन्मस्थल था, जहां पहली दफा चुनाव जबलपुर से जीते थे वहां, और कर्म भूमि बिहार रहा है, इसीलिए अस्थि कलश आया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर और वहीं गाड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं मृत्यु भोज पर उन्होंने रोक लगाई थी, एक नहीं मानते थे, उनकी विचारधारा युवाओं में कितना पनपा है सर? युवाओं कितना प्रभावित? देखिए, आने वाले दिनों में युवा उनसे सीखेंगे और चूंकि प्रचार प्रसार उनका नहीं हुआ, अब प्रचार प्रसार होगा निश्चित रूप से। बहुत से बातें मरने के बाद जब गुजर जाता है तो उनके विचारों को लोग मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी शरद यादव जी का नाम रहेगा और उनका विचार कभी मरने वाला नहीं है। देश और दुनिया में उनके विचारों को मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में है। सर, आप लंबे समय से शरद यादव के साथ में रहे, राजनीति के शरद यादव से आप मिलते जुलते रहे सर, मिलते थे तो क्या बातचीत होती थी राजनीति? अभी समाजवाद हमेशा कहते थे, पाखंडवादियों के खिलाफ में थे वो।